दोस्तों अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए, ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों अगर आप लोग गेमिंग लवर है तो आप लोग जानते ही होंगे कि फ्री फायर दो दिन से प्ले स्टोर में नजर नहीं आ रहा है, पर फ्री फायर मैक्स आप लोगों को प्ले स्टोर में देखने को जरूर मिल जाएगा। दोस्तों फ्री फायर जो कि हमारे इंडिया का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम था, पबजी बैन होने के बाद से बहुत सारे प्लेयर फ्री फायर खेलते थे, पर आज वो भी बैन हो गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि फ्री फायर दो दिन से प्ले स्टोर में नजर नहीं आ रहा था, इस पर बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे थे कि फ्री फायर बैन नहीं हो सकता, और वह बहुत सारे कारण भी बता रहे थे जो कि बहुत कुछ सही हो सकता था। पर दोस्तों अब फ्री फायर फाइनली बैन हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि फ्री फायर अब इंडिया में बैन हो चुका है। दोस्तों हमारे इंडिया में फ्री फायर को एकदम अचानक से बैन कर दिया गया है, और 53 अदर चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग ये लिस्ट भी देख सकते हो जिसमें 54 नंबर पर फ्री फायर को बैन कर दिया गया है, और इस लिस्ट में बहुत सारे चाइनीज ऐप है जो हमारे इंडिया में बैन हो चुके हैं। दोस्तों इस ऐप को बैन करने का कारण यह है कि यह चाइनीज ऐप है और यह हमारी सिक्योरिटी को हार्म करता है, हमारी प्राइवेसी का यह ख्याल नहीं रखता है, इस वजह से इस ऐप को बैन कर दिया गया है। दोस्तों गरीना फ्री फायर तो सिंगापुर में बना है, यह गेम सिंगापुर से बनकर हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया था, पर इस गेम के कुछ शेयर्स चाइनीज कंपनीज के पास भी है, इसकी वजह से यह गेम को अब हमारे इंडिया में बैन कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे इंडिया में पिछले साल पबजी बैन हुआ था, और पबजी भी इसी कारणों की वजह से हमारे इंडिया में बैन हुआ था, पर पबजी बैन होने के बाद कुछ महीनों के बाद ही एक नया गेम लॉन्च किया गया, और उसका नाम है BGMI। दोस्तों इस गेम को तो आप लोगों ने भी जरूर खेला होगा, वैसे ही शायद फ्री फायर बैन हो गया है, पर फ्री फायर की जगह कोई नया गेम आ सकता है। दोस्तों ये बात तो फ्यूचर ही बताएगा कि क्या हो सकता है, फ्री फायर को ही वापस लाया जाएगा या तो फिर उसकी जगह नया गेम लाया जाएगा, पर अभी तो फाइनली फ्री फायर बैन हो चुका है। दोस्तों यह वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।